चलो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बाक फ्लावर रेमेडी के विषय में, आज मैं आपको बताता हूँ। इसके फाउंडर थे डॉक्टर एडवर्ड बाक ऑफ लंदन। वो लंदन में एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे पर वो थे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो उन्होंने देखा कि मैं किसी को सर दर्द की दवाई देता हूँ उसका पेट खराब हो जाता है, किसी को पेट दर्द की दवाई देता हूँ उसके सर में परेशानी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर बाक को ये लगा कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, तो उन्होंने एलोपैथी की प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर किसी ने उनसे कहा कि आप होम्योपैथी से प्रैक्टिस करें। उन्होंने होम्योपैथी के अंदर ट्रेनिंग ली और होम्योपैथी से प्रैक्टिस शुरू करी। पर जैसे जैसे वो होम्योपैथी में गहरे जाते गए उन्हें पता चला कि होम्योपैथी में सारी दवाइयाँ प्लांट्स से नहीं बनती, बहुत सारी दवाइयाँ केमिकल, मेटल, पॉइजन तक से बनती हैं जिनके बड़े सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। तो उन्हें लगा ये पैथी भी मेरे लिए नहीं है, उन्होंने एलोपैथी के बाद होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी छोड़ दी। उसके बाद फिर वो लंदन में एक पीक है माउंट वर्नन, वहां पर 1930 से 1936 में मरने तक 6 साल जंगल में भटके और उन्होंने टोटल 38 दवाइयां बनाई जिनसे उनका कहना था कि इंसान और इंसानियत के सारे दुख, दर्द, परेशानियां सबका इलाज हो सकता है। अब आप कहेंगे दवाई बनती कैसे? उनका ये मानना था कि जब तक एक पौधा पूरी मैच्योरिटी नहीं लेता तब तक उस पर फूल नहीं आते। और फूल क्या है? उसने उस पौधे के बीज हैं जिनसे वो पौधा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है जिससे आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपना। तो सेम वही सिस्टम के इंसान भी आगे बढ़ता है तभी जब एक सर्टेन एज आती है तभी वो बच्चा पैदा करने की क्षमता डेवलप करता है। सेम बात उस फूल के अंदर है। तो उन्होंने कुछ सर्टेन फ्लावर्स चूज किए जिनमें 37 फ्लावर है और एक पवित्र झरने का पानी। तो वो 37 फ्लावर्स उन्होंने उस समय तोड़े क्योंकि उनका यह मानना था कि चांद और सूरज के बिना हम जी नहीं सकते। तो सुबह के समय जब उन फूलों पर ड्यू ड्रॉप्स थी चंद्रमा की वजह से ओस की बूंदें, तब उन्होंने उन फूलों को तोड़ा और उनको पानी में, जो पवित्र झरने का पानी था उसमें डालकर सूरज की रोशनी में 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। और 4 घंटे पानी में रहने के बाद उन्होंने उन फूलों को हटा दिया और जो पानी बचा उसकी एक एक बूंद उन्होंने ब्रांडी की शीशी में प्रिजर्व कर दी। उनकी ये सोच थी कि अब उस पौधे की आत्मा इसमें आ गई, अब इस दवाई को जो भी लेगा उसके अंदर जाके ये दवाई उसका आत्मिक बल बढ़ाएगी। और बीमारी का नाम कुछ भी लें आप, जैसे डॉक्टर बाक का ये कहना था कि एक तहखाना है, 20 साल से वहां कभी कोई नहीं गया और वहां गुप अंधेरा है, अगर आप वहां रोशनी लेके जाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे तो अंधेरा ये नहीं कहेगा हम 20 साल पुराने हम नहीं जाते, अंधेरा कितना ही पुराना हो रोशनी जाते ही हट जाएगा। वैसे ही उनका यह मानना था कि बाक फ्लावर रेमेडी कितनी भी बीमारी परेशानी आपको क्यों ना हो, कब से हो, उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। और मैंने अपने जीवन में इसको खुद देखा है और मैं आपको आगे किसी और वीडियो में इसके विषय में बताऊंगा। पर अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, दैट मेरी मेल आईडी है LES4Life, दैट इज लाइफ एनहेंसमेंट स्किल्स का एब्रीवेशन LES4Life @life11@gmail.com। अदरवाइज आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।